हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल किरण फैशन डिजाइनर फ्रेंच। आज की वीडियो में नए पैटर्न में डिज़ाइन बनाने के लिए आस्तीन की लंबाई चौड़ाई नाप के कटिंग कर लिए। अब 1 इंच की गोलाई देते हुए आगे से इसकी कटिंग करेंगे। इस तरीके से गोलाई देंगे 1 इंच पे और कैंची की सहायता से इसे इसकी कटिंग करेंगे और बीच से भी इसे कटिंग करेंगे। बीच वाली डिजाइन बनाएंगे, जो डिज़ाइन ये आजकल बहुत ट्रेंड में है। इस तरीके से मैंने दोनों पार्टों को कट कर लिया है और अब इसमें पाइपिंग लगाएंगे और ये पट्टी कटिंग करेंगे इसकी दो। इस तरीके से और ये पट्टी कटिंग कर ली है और अब इसमें पाइपिंग लगाएंगे। इस तरीके से पाइप लगाए बहुत अच्छी और फिनिशिंग के साथ लगती है। चैनल पर नए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। इस तरीके की वीडियो लाते रहते हैं रोज नई डिज़ाइन के साथ। इस तरीके से पाइपिंग लगाएंगे, इसे पलट के दोनों पार्टों में लगा लेंगे पाइपिंग इसी तरीके से। दोनों पार्ट में पाइपिंग लग गई है और अब मैं कपड़ा इस तरीके से मैंने 1.5 इंच का कपड़ा लिया है, उसे सिलाई चला लेंगे। अब सुई धागा की सहायता से इसे पलट लेंगे। इस तरीके से सुई धागा की सहायता से इसे पलट लेंगे। छोटी छोटी 2-2 इंच की मैंने ये पट्टियाँ कट कर ली हैं, एक पेपर पे लगा लेंगे इसी तरीके से सिलाई लगा के। इस तरीके से पेपर पे इसे लगा लेंगे एक 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 करके। दोनों तरफ सिलाई चला लेंगे इसी तरीके से। आप कैंची से काट देंगे दोनों तरफ। इसी तरीके से दोनों तरफ सिलाई चला लेंगे। इसमें जॉइंट कर लेंगे ये पट्टियाँ छोटी छोटी। दोनों तरफ मैंने सिलाई चला ली है और सुई धागा की सहायता से हर एक डिज़ाइन पे मोती लगाएंगे। इसे पेपर को पीछे से हटा देंगे और मोती लगाएंगे इस पे एक एक करके। इस तरीके से बीच सेंटर में एक एक मोती लगाएं चुन्नट बना के, एक फ्लावर का लुक देते हुए इस तरीके से सुई धागा की मदद से इसमें एक एक करके मोती लगाएं। इसी तरीके से ये मोती लगा दिए हैं। डिजाइन बनकर रेडी हो गई है और प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए डिज़ाइन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।